गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। सो आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं ग्रुप वेलोसिटी एंड फेज वेलोसिटी। तो ये जो टॉपिक है वो होने वाला है ओसिलेशन इन वेव्स, जो कि बीएससी स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल रहेगा, चाहे वो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में जिस भी ईयर में आपके ये पेपर आ रहा है ओसिलेशन एंड वेव्स। तो स्टार्ट करते हैं ग्रुप वेलोसिटी एंड फेज वेलोसिटी। फेज वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी, इसको समझने के लिए पहले हमें क्या लिखना होगा, वेव की इक्वेशन। जनरल इक्वेशन फॉर वेव व्हिच इज रिटन एज y, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन, इज इक्वल टू a, व्हिच इज द एम्पलीट्यूड, sin ओमेगा t माइनस kx प्लस थीटा। अगर मैं थीटा यूज कर लेता हूं तो इट विल बी मोर जनरल। तो किसी किसी बुक्स में थीटा यूज नहीं करते, डायरेक्ट ओमेगा t माइनस kx। तो दिस इज आल्सो अ इक्वेशन फॉर वेव, बट थीटा यूज कर लेते हैं तो इट बिकम्स मोर जनरल। तो ये जो चीज है वो आपको पता है a is amplitude, ठीक है, y आपको ध्यान में, it is displacement of wave जिसकी हमने इक्वेशन लिखी है, ठीक है, जो पार्टिकल डिस्प्लेस कर रहे हैं। ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये कुछ वेव के पैरामीटर्स है। k इज वेव नंबर, वेव नंबर जिसको हम 2 पाई बाय लैम्डा से डिफाइन करते हैं, k इज डिफाइंड एज 2 पाई बाय लैम्डा। थीटा इज फेज, t इज टाइम, x इज डिस्प्लेसमेंट इन x डायरेक्शन, ठीक है। अब ये जो पूरी क्वांटिटी है ओमेगा t माइनस kx प्लस थीटा, ओमेगा t माइनस kx प्लस थीटा, इसको बोलते हैं फेज। इसको क्या बोलते हैं, फेज। And this is a constant quantity. This is a constant quantity. मान लो मैंने ओमेगा तो मेरा फिक्स हो गया, के मेरा फिक्स हो गया, थीटा भी मेरा फिक्स हो जाएगा, ठीक है, इसको बोलते हैं फेज कॉन्स्टेंट। थीटा भी मेरा क्या हो जाएगा, फिक्स। एक पर्टिकुलर टी के लिए और एक पर्टिकुलर एक्स की वैल्यू के लिए दिस बिकम्स अ कॉन्स्टेंट। तो ये जो फेज है वो कैसा है, कॉन्स्टेंट। तो मुझे क्या निकालनी है, फेज वेलोसिटी। क्या निकालनी है, फेज वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती है, dx upon dt, that is the rate of change of displacement with time, ठीक है। x direction के अंदर जो भी time के अंदर change आएगा, this phase, इस phase का उसको बोलेंगे phase velocity। इस phase के अंदर जो भी change आएगा time के साथ, that will be my phase velocity। क्योंकि time के साथ क्या हो रहा है, t change हो रहा है और x change हो रहा है, theta change नहीं होगा, k change नहीं होगा, omega change नहीं होगा। derivative करते हैं with respect to ठीक है, इस इक्वेशन को डेरिवेट करो विद रिस्पेक्ट टू टी, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इस इक्वेशन को टाइम के साथ रिस्पेक्ट करते हैं। तो ओमेगा कांस्टेंट है एज इट इज, टाइम के साथ किया तो क्या हो गया 1, क्योंकि ये है टी की पावर 1, पावर आगे आ जाएगी 0 हो जाएगा, तो 1 * टी रेज़ टू द पावर 0, टी रेज़ टू द पावर 0 इज 1 माइनस k कांस्टेंट है, चेंज नहीं होगा 2 पाई बाय लैम्डा x, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम व्हिच विल बिकम dx / dt, व्हिच विल बिकम dx / dt। थीटा कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0। साथ में ये जो फेज है ये भी कांस्टेंट क्वांटिटी है, ये एक कांस्टेंट क्वांटिटी। देखो साइन के साथ तुमने डायमेंशन एनालिसिस पढ़ा होगा, तो उसमें क्या देखते हैं, साइन के साथ जो भी चीज आती है या फिर e की पावर में जो चीज आती है, cos के साथ में आता है, वो क्या होता है, कांस्टेंट, उसकी कोई डायमेंशन नहीं होती, ठीक है। तो ये जो कांस्टेंट है, इसका जब डेरिवेटिव तुम करोगे तो क्या आएगा, इसको पूरे को सॉल्व करोगे तो कांस्टेंट आएगा, एक नंबर आएगा, तो उसकी साइन की कुछ वैल्यू होगी, कोस की कुछ वैल्यू होगी, तो डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो इट विल बिकम 0। सो नाउ दिस ओमेगा माइनस के, दिस dx / dt विल बी डिफाइंड एज फेज वेलोसिटी। वेलोसिटी पैरों में मैंने लगा दिया p, जो कि रिप्रेजेंट करेगा दैट इट इज अ फेज वेलोसिटी। फेज वेलोसिटी का सिंबल है v p और ग्रुप वेलोसिटी का सिंबल है v g, ठीक है। So this is my phase velocity, which will be equal to omega बराबर k vp, तो my vp will be omega by k, ठीक है। इसको एक और तरीके से लिख सकते हो तुम, omega by k, omega को कैसे define करते हैं, omega को define करते हैं 2 pi by t से, omega को कैसे define करते हैं 2 pi by t, k को कैसे define करते हैं 2 pi by lambda, इन दोनों को, this is 2 pi by t,
एन के इज 2 पाई बाय लैम्डा, तो लैम्डा ऊपर चला जाएगा, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, सो इट विल बिकम लैम्डा बाय टी। अगर हम तुमने वेव का इंट्रोडक्शन वाला जो वीडियो देखा है तो उसमें मैंने बहुत चीजें बताई थी कि वेवलेंथ क्या होता है, आपका एम्पलीट्यूड क्या होता है। उसके अंदर एक चीज बताई थी कि ये आपकी एक वेव है, ठीक है, ये एक ऑसिलेशन कंप्लीट कर दिया है, ये प्लस साइकिल, ये माइनस साइकिल, तो एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो गया। इस ऑसिलेशन में जितना भी टाइम लगता है उसको बोलते हैं टाइम पीरियड, एक ऑसिलेशन में जितना टाइम लगता है उसको बोलते हैं टाइम पीरियड, ठीक है। वेव जब एक साइकिल कंप्लीट करती है तो वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है, लैम्डा, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है, लैम्डा, जिसको बोलते हैं वेवलेंथ, जिसको क्या बोलते हैं, वेवलेंथ। तो अगर मुझे इस वेव की वेलोसिटी निकालनी है, किसकी वेलोसिटी निकालनी है, वेव की, तो क्या होगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, लैम्डा, टाइम कितना लिया, टी, सो माय फेस वेलोसिटी इज आल्सो लैम्डा बाय टी, एंड माय पार्टिकल, नॉट पार्टिकल, माय वेव वेलोसिटी इज आल्सो लैम्डा बाय टी। तो ये जो रिलेशन है ये दोनों के लिए सेम है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर, दैट फेस वेलोसिटी इज इक्वल टू वेव वेलोसिटी, वेव वेलोसिटी। सो इसको तुम ध्यान में रख सकते हो, दैट इज वीपी, दिस इज द सिंबल फॉर फेज वेलोसिटी। वेव वेलोसिटी के लिए हम नॉर्मल वी यूज करेंगे, ग्रुप वेलोसिटी के लिए वी जी यूज करेंगे, दिस इज इक्वल टू ओमेगा बाय के, विच इज ऑल्सो इक्वल टू लैम्डा बाय टी। ये आपको रिलेशन ध्यान में रखना है। और डेफिनेशन क्या होगी फेज वेलोसिटी की, द वेलोसिटी विद विच द फेज मूव्स, द वेलोसिटी ऑफ द वेव विद विच अ फेज मूव्स, ये फेज है वेव का, ठीक है, वो फेज वेलोसिटी की डेफिनेशन हो जाएगी, ठीक है। सबसे पहले मैंने वेव की इक्वेशन लिखी, उसमें जो जो चीजें थी, एम्पलीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, वेव नंबर, फेज कॉन्स्टेंट थीटा, इस पूरे को हम फेज बोलते हैं, विच इज अ कॉन्स्टेंट क्वांटिटी। सो ये अगर टाइम के साथ चेंज होगा, एक्स चेंज होगा टाइम के साथ, तो आई कैन डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डिफरेंशिएट करने पे आई गेट द वेव फेज वेलोसिटी इज इक्वल टू ओमेगा बाय टी, which is also equal to wave velocity, that is lambda by t. So I can relate all these relations in a single manner. ठीक है? अब definition लिख देते हैं एक बार phase velocity की। अगर आपको ये clear हो गया, the velocity with which the phase of the wave travels, phase of the wave travels is called phase velocity. So ये phase velocity का definition हुआ, and this is the relation of phase velocity and wave velocity with omega by k and lambda by t. ये relation ध्यान में रखना, अगर numericals आते हैं तो ये direct means होगा। Now we will move to group velocity. देखो, phase velocity को जब मैंने derive किया है, तो एक बात आपने ध्यान में रखी होगी, मैंने single wave consider किया, wave equation ली, this is the wave equation, एक single wave ली, single wave का जो phase है, उसको differentiate किया with respect to time, मुझे क्या मिला, phase velocity, but यहाँ क्या लिखा हुआ है, group velocity, group कैसे बनता है, minimum दो लोग चाहिए group बनाने के लिए, दो या दो से ज्यादा, तो ग्रुप वेलोसिटी निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा, दो या दो से ज्यादा वेव्स लेनी होगी। अब जब दो या दो से ज्यादा वेव्स आएंगी, सिमिलर टू वेक्टर, सिमिलर टू सिंपल हार्मोनिक मोशन, कि जब हमारे दो वेक्टर किसी एंगल पे होते हैं, या फिर दो सिंपल हार्मोनिक मोशन सेम डायरेक्शन में जाते हैं या परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जाते हैं, तो वी यूज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, और उनका जो रिजल्टेंट आता है वो भी एक आल्सो वेक्टर होता है, वो भी एक सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है। सिमिलरली जब हम दो या दो से ज्यादा वेव्स का सुपरपोजिशन करेंगे तो हमें एक वेव मिलेगी, उनसे जो वेव बनेगी उसको हम बोलते हैं वेव पैकेट, उसको क्या बोलते हैं, वेव पैकेट, वो जिस वेलोसिटी से मूव करेगा उसको बोलते हैं ग्रुप वेलोसिटी। अब ये मैंने एक्सप्लेन किया, अब इसको डायग्रामेटिकली समझ के देखेंगे कि कैसे दो वेव सुपरपोज करेगी और उसका जो रिजल्टेंट जो रिजल्टेंट वेव होगा, वेव पैकेट जिसको हम बोलेंगे, वो जिस वेलोसिटी से जाएगा वो आपकी बन जाएगी ग्रुप वेलोसिटी। एक बार ध्यान से इसको देखना, डेरिवेशन कुछ ज्यादा टफ नहीं है, बट समझना जरूरी है कि ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी में डिफरेंस क्या है।
ये इक्वेशन एक बार मैं यहाँ से नहीं हटाता हूँ और ये भी यहाँ रहने देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब मैं बनाता हूँ ग्रुप वेलोसिटी के लिए डायग्राम, ठीक है। तो मैंने मान लिया एक वेव मेरा कुछ ऐसा जा रहा है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये मेरा एक वेव है, ठीक है। यहां मैंने एक दूसरा वेव बनाया, जिसका एम्पलीट्यूड अलग अलग है, जिसका एम्पलीट्यूड अलग अलग है। अब इन दोनों को करना है सुपर पोजिशन, क्या करना है सुपर पोजिशन, जैसे वेक्टर का सुपर पोजिशन करते हैं, सिमिलरली हम सुपर पोजिशन करेंगे वेव्स का, क्योंकि वेव किससे रिप्रेजेंट हो रही है, डिस्प्लेसमेंट से, एंड डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सिमिलर टू सिंपल हार्मोनिक मोशन में भी हमने यही किया था, जो डिस्प्लेसमेंट था वो एक वेक्टर क्वांटिटी था, तो हमने दो सिंपल हार्मोनिक मोशन को सुपरपोज किया। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से इन दो वेव्स का, अगर इन दो या दो से ज्यादा वेव्स का अगर हम रिजल्टेंट निकालेंगे, दैट इज द रिजल्टेंट वेव, तो वो कुछ ऐसे दिखेगी कि कहीं मैक्सिमा कहीं मिनिमा, कहीं मैक्सिमा कहीं मिनिमा। लाइक तुमने इंटरफेरेंस ऑफ कोहरेंट सोर्सेस पढ़ा होगा, डायफ्रेक्शन ऑफ लाइट पढ़ा होगा, उसमें आपने देखा होगा कि जब हम एक सोर्स से दो वेव निकाल देते हैं जंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, तो हमें स्क्रीन के ऊपर मैक्सिमा मिनिमाज मिलते हैं। सिमिलरली दैट इज द कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। सिमिलरली यहाँ क्या होगा, एक वेव ये रहा, एक वेव ये रहा, अगर इन दोनों का क्रेस्ट सेम है, मींस ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो ये जुड़ जाएंगे, ये भी नेगेटिव ये नेगेटिव, तो जुड़ जाएंगे, दैट इज द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। दैट इज इन फेज है ये दोनों, इन फेज का मतलब ये दोनों वेव्स साथ साथ में चल रही है, मतलब साथ में मैक्सिमा फिर जीरो फिर साथ में मिनिमम फिर जीरो। तो इनका जब तुम सुपर पोजिशन करोगे तो वेव बड़ी हो जाएगी, ठीक है। सिमिलरली अगर ये पॉजिटिव है और अगर ये नेगेटिव है, ठीक है, तो उसका सुपर पोजिशन कैसे होगा, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो ये ओवरलैप करेंगे तो एक दूसरे को कैंसल आउट करेंगे, दैट इज द डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो सिमिलरली हमारे पास अगर कोई जनरल वेव इस डायरेक्शन में जो जा रही है उसके साथ एक दूसरी वेव चल रही है जो थोड़ा, जिसका लैम्डा थोड़ा बड़ा है, जिसका लैम्डा बड़ा है, इसका लैम्डा छोटा है, दैट इज द वेवलेंथ। इसको मैं बोल देता हूँ लैम्डा 1, इसको मैं बोल देता हूँ लैम्डा 2। तो इनका लैम्डा भी अलग है, टाइम पीरियड भी अलग है, फ्रीक्वेंसी भी अलग है। सो अब ऐसी वेव्स का अगर मैं सुपर पोजिशन करता हूँ तो मेरे पास मिलेगा मैक्सिमा और मिनिमा। तो ये दिखने में कैसे रहेंगी वेव्स, कुछ ऐसे धीरे धीरे बड़ी फिर धीरे धीरे कम, ठीक है, वही चलता चला जाएगा पैटर्न, ये पैटर्न चलता चला जाएगा, ये धीरे धीरे क्या होगी मैक्सिमा, और फिर जीरो भी, जीरो से मैक्सिमा तक गई फिर जीरो, फिर ये पैटर्न रिपीट करेगा अपने आप को। पैटर्न खुद को क्या कर रहा है, रिपीट। दिस इज कॉल्ड ग्रुप वेव पैकेट्स, दिस इज कॉल्ड वेव पैकेट्स, कि जब दो या दो से ज्यादा वेव का हम सुपर पोजिशन करते हैं सो वी गेट स्ट्रक्चर लाइक दिस, इसको बोलते हैं वेव पैकेट, वेव पैकेट, वेव पैकेट, और ये चलते चले जाएंगे, ठीक है। अब इन वेव पैकेट का जो मैक्सिमा है, ये इस वेव पैकेट का जो मैक्सिमा है, ये ऐसे ही फर्दर आगे और मैक्सिमा आएंगे, ये जिस वेलोसिटी से मूव करेगा, ये जिस वेलोसिटी से मूव करेगा, दैट इज कॉल्ड माय ग्रुप वेलोसिटी, दैट इज कॉल्ड माय ग्रुप वेलोसिटी। तो ग्रुप वेलोसिटी के लिए आपको दो वेव्स चाहिए, मिनिमम है, दो से ज्यादा भी हो सकती है, इनका सुपर पोजिशन होगा, इनके सुपर पोजिशन से कहीं हमें मैक्सिमा मिलेगा, कहीं मिनिमा मिलेगा, मैक्सिमा मिलेगा, मिनिमा मिलेगा। तो दिस मैक्सिमा ऑफ दिस वेव पैकेट जिस वेलोसिटी के साथ मूव करता है, दैट वेलोसिटी इज कॉल्ड ग्रुप वेलोसिटी। तो आई विल राइट द डेफिनेशन एंड देन इसका हम रिलेशन देखेंगे कि ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी के बीच में रिलेशन क्या है, ठीक है। सो डेफिनेशन इज व्हेन टू और मोर वेव्स, टू और मोर वेव्स सुपरपोज, सुपरपोज वी गेट
सीरीज ओ मैक्सिमा एंड मिनिमा वेंट टू अ मोर वेव सुपरपोज वी गेट अ सीरीज ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ द रिजल्टेंट वेव ऑफ द रिजल्टेंट वेव. सो ग्रुप वेलोसिटी कैसे डिफाइन होगा? द वेलोसिटी विद विच द मैक्सिमा, किसकी बात कर रहे हैं? मैक्सिमा की. द वेलोसिटी विद विच द मैक्सिमा ऑफ द वेव पैकेट मूव्स, द वेलोसिटी विद विच द मैक्सिमा ऑफ द वेव पैकेट मूव्स इज कॉल्ड ग्रुप वेलोसिटी, इज कॉल्ड ग्रुप वेलोसिटी. एंड वेव पैकेट कैसे डिफाइन होता है? ये जो मैक्सिमा मिनिमा का जो पैटर्न बनेगा, वी गेट अ सीरीज ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ द रिजल्टेंट वेव, दिस इज कॉल्ड अ वेव पैकेट, दिस इज कॉल्ड अ वेव पैकेट. यहां से वेव पैकेट्स मिलते हैं. अब ये वेव पैकेट का जो मैक्सिमा है, जिस वेलोसिटी के साथ मूव करेगा या ट्रेवल करेगा, दिस विल बिकम माई ग्रुप वेलोसिटी. सो ग्रुप वेलोसिटी इज डिफाइंड एज d omega by dk, that is the derivative of this omega angular frequency with respect to k. This is the relation. अब हमें find out करना है कि हमारी जो waves होंगी उसके लिए ये derivative क्या होने वाला है, ठीक है? तो उसके लिए पहले मैं तुम्हें थोड़ा सा dispersion के बारे में याद दिलाता हूँ, जो तुमने शायद starting जिसकी 10th class में की होगी, prism के अंदर dispersion. यहां मैं ऐसा क्यों बता रहा हूं? क्योंकि हमें दो मीडियम पढ़ने हैं. एक होता है डिस्पर्सिव मीडियम और एक होता है नॉन डिस्पर्सिव मीडियम. इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इसको समझने के लिए एक बार डिस्पर्शन का जो फिनोमेना था उसको रिकॉल कर लेते हैं. सो डिस्पर्शन के फिनोमेना पे आते हैं. मेरे पास एक प्रिज्म था जिसपे मैंने व्हाइट लाइट इंसिडेंट की, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये जो व्हाइट लाइट थी 7 कलर्स में स्प्लिट हो गई. सो आर डेविएट्स द लीस्ट एंड वोयलेट्स डेविएट्स द मोस्ट, मतलब वोयलेट अपनी लाइन से सबसे ज्यादा डेविएट होगा और रेड सबसे कम डेविएट होगा. ये पैटर्न बनता है वी आई बी जी वाई ओ आर, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है? V I B G Vibrio G Y O R. सो ये पैटर्न बनता है तुम्हारा Vibrio का. ठीक है, तो ये 7 कलर्स में स्प्लिट हो गया. दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड डिस्पर्जन. अब डिस्पर्जन मीडियम क्या होता है, इसे मैं कैसे डिस्पर्जन से रिलेट करने वाला था उसके बारे में सुनो. यहां क्या होता है, ये वोयलेट कलर की वेवलेंथ अलग है, इंडिगो कलर की वेवलेंथ अलग है, इसकी लैम्डा अलग है, इसकी लैम्डा अलग है, इसका लैम्डा अलग है, सबका लैम्डा क्या है, सबकी वेवलेंथ जो है अलग अलग है. तुमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पढ़ा होगा, उसमें जब विजिबल रीजन आता है तो विजिबल रीजन में हम ये देखते हैं कि वी प्योर की अलग अलग वेवलेंथ होती है, फिर यहाँ पे तुम्हारा अल्ट्रा वोयलेट बन जाता है, यहाँ पे इंफ्रारेड बन जाता है, ठीक है? ये जो पैटर्न था, तो सबकी वेवलेंथ क्या होती है, अलग अलग, सबकी वेवलेंथ अलग अलग है, सबकी वेलोसिटी भी अलग अलग है, तभी आर अलग डेविएशन अलग वे में गया है और वोयलेट अलग वे में गया है. सो इनकी वेवलेंथ तो अलग है, लैम्डा तो डिफरेंट है, वेलोसिटी भी डिफरेंट है. जिस वेलोसिटी के साथ ये मीडियम में मूव कर रहे हैं, ये मीडियम कौन सा है, एयर. जिस मीडियम में ये मूव कर रहे हैं वो मीडियम है एयर. इनका वेवलेंथ भी अलग अलग है और इनका वेलोसिटी भी अलग अलग है. तो ऐसा मीडियम, द मीडियम इन विच वेलोसिटी चेंजेस विद लैम्डा, वेलोसिटी चेंजेस विद
लैम्डा, ऐसे मीडियम को हम बोलते हैं डिस्पर्सिव मीडियम। ऐसे मीडियम को हम क्या बोलते हैं? डिस्पर्सिव मीडियम। डिस्पर्शन के फिनोमेना में व्हाइट लाइट को इंसिडेंट किया उन्हें प्रिज्म, इट गेट्स रेडिएटेड स्प्लिट इनटू सेवन कलर्स। आर डेविएट्स द लीस्ट, वायलेट डेविएट्स द मोस्ट, पर इनके बीच में पांच कलर्स आते हैं आई बी जी वाई को। ठीक है, अब इन सबका लैम्डा अलग अलग है, वेवलेंथ अलग अलग है, इन सबकी वेलोसिटी अलग अलग है। मतलब वायलेट कलर तेज मूव कर रहा है, रेड धीरे मूव कर रहा है, तो सबकी वेलोसिटी भी डिफरेंट है, सबका वेवलेंथ भी अलग है। तो ऐसा मीडियम जहां पे हमारा जो वेलोसिटी है वेवलेंथ के साथ चेंज हो जाए, कम या ज्यादा, दिस इज कॉल्ड डिस्पर्सिव मीडियम। एंड नॉन डिस्पर्सिव मीडियम क्या हो? जहां पे आपका वेलोसिटी चेंजेस डज नॉट चेंज विद लैम्डा। तो नॉन डिस्पर्सिव मीडियम इज वेलोसिटी डज नॉट चेंज विद लैम्डा। सो अगर ऐसा मीडियम है आपके पास जहां वेलोसिटी लैम्डा के साथ चेंज ना हो, तो दैट इज कॉल्ड माय नॉन डिस्पर्सिव मीडियम। और ऐसा मीडियम जहां पे वेलोसिटी लैम्डा के साथ बदल जाएगी, उसे हम बोलेंगे डिस्पर्सिव मीडियम। इसी दोनों चीजें मुझे पहले बताना जरूरी था, क्योंकि जब मैं ग्रुप वेलोसिटी को बताऊंगा तो यहाँ डेरिवेटिव हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू के। ठीक है, तो के क्या होता है? 2π/λ। के क्या होता है? 2π/λ। तो डेफिनेटली लैम्डा के साथ वेलोसिटी का वेरिएशन हो रहा होगा, तभी ये एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज ये जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो अभी आपको देखना है कि कैसे डिस्पर्सिव मीडियम में, नॉन डिस्पर्सिव मीडियम में हमारा ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी कैसे आपस में रिलेट होते हैं। तो इसके लिए पहले मैं ग्रुप वेलोसिटी को करता हूँ, उसके बाद हम चलेंगे इनके रिलेशन के बीच में कैसे रिलेट होते हैं आपके ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी, और डिस्पर्सिव और नॉन डिस्पर्सिव मीडियम जो अभी बताया वो क्या रोल प्ले करने वाला है। ठीक है, दिस इज द डेफिनेशन फॉर ग्रुप वेलोसिटी, वेयर वी हैव टू डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वेव नंबर, और यहाँ है मेरे पास ओमेगा। इस रिलेशन को मैंने नहीं हटाया था, क्यों नहीं हटाया था? बिकॉज माई ओमेगा इज के इंटू वी पी, के इंटू वी पी। सो हम क्या कर रहे हैं अभी? रिलेशन फाइंड आउट कर रहे हैं, रिलेशन बिटवीन वी पी एंड वी जी, वी पी एंड वी जी के बीच में क्या रिलेशन है। तो माई ओमेगा इज के टाइम्स वी पी, के टाइम्स वी पी। अब के क्या होता है? 2π/λ। के क्या होता है? 2π/λ। और ये है फेज वेलोसिटी। अगर मेरा मीडियम डिस्पर्सिव हुआ, अगर मेरा मीडियम डिस्पर्सिव हुआ यानी कि वेलोसिटी लैम्डा के साथ बदलेगी, दैट इज वेलोसिटी लैम्डा के साथ बदलेगी, तो मेरा ओमेगा बदलेगा, तो मुझे ओमेगा का डिफरेंशिएशन करना होगा विद रिस्पेक्ट टू के। तो ये मेरा बन जाएगा ग्रुप वेलोसिटी। अगर नॉन डिस्पर्सिव मीडियम है, ये दोनों नहीं बदल रहे, तो जीरो। अभी तुम देखोगे कि डिस्पर्सिव में नॉन डिस्पर्सिव में कैसे दोनों रिलेटेड हैं। तो इनके बीच में रिलेशन निकालने के लिए मुझे ओमेगा को रखना होगा के वी पी। क्या रखना होगा? के वी पी। तो मुझे के साथ डिफरेंशिएट करना है, और के में है लैम्डा, के में है लैम्डा, तो लैम्डा बदलेगा तो वी भी बदलेगा। लैम्डा अगर बदलेगा, इसमें लैम्डा है, के इज 2π/λ, अगर लैम्डा बदलेगा तो वी भी बदलेगा, तो मेरे को दोनों का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। मतलब कौन सा रूल लगाना पड़ेगा? फर्स्ट सेकंड। आप लोगों को क्या लग रहा होगा कि भाई के का तो डिफरेंशिएशन मैं कर दूंगा, वन हो जाएगा, बट वी का क्या करें? वी का डिफरेंशिएशन होगा कि नहीं होगा? होगा, क्योंकि हम जनरल अभी डिस्कस कर रहे हैं कि मान लो वी चेंज हो रहा है लैम्डा के साथ, जो कि डिस्पर्सिव मीडियम की डेफिनेशन है। तो हम ये मान के चलेंगे कि वी भी चेंज हो सकता है, बाद में स्पेशल केस लगा देंगे कि वी अगर चेंज नहीं होता तो वो नॉन डिस्पर्सिव मीडियम बन जाएगा। ठीक है, तो मैं इसका डिफरेंशिएट करता हूँ फर्स्ट सेकंड रूल से। तो फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करूंगा तो सेकंड एज इट इज, दैट इज वीपी डीके बाय डीके, प्लस फर्स्ट एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड। सो ये बन जाएगा आपका वन, और ये बन जाएगा डीवीपी बाय डीके। ठीक है, ये आगे दो रूल्स। एक रिलेशन ये है जो आप याद रखना चाहो तो याद रख भी सकते हो, वरना इजीली वी कैन डिराइव इट यूजिंग दिस डेफिनेशन। बट मुझे क्या चाहिए? मुझे वेरिएशन देखना था लैम्डा के साथ, किसका? वेलोसिटी का, कि भाई ये जो फेज वेलोसिटी है, ग्रुप वेलोसिटी है, ये आपस में कैसे रिलेट होते हैं लैम्डा पे, चेंज पे। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इस इक्वेशन में लैम्डा को लेके आना पड़ेगा। लैम्डा को लाने के लिए मुझे क्या यूज करना पड़ेगा? के इज इक्वल टू 2π/λ। तो अब मैं दिखाता हूँ इस रिलेशन में हम लैम्डा कहाँ से लेके आएंगे। तो k को क्या करना पड़ेगा? रिमूव, एंड k का डेफिनेशन है 2π/λ।
लैम्डा. सो राइटिंग दिस अगेन, के इज इक्वल टू 2π/λ. मेरे पास यहाँ डीके है तो मैं इसका डिफरेंशिएट कर लेता हूँ. डीके विल बी 2π cos 10 1 by λ, दैट इज -λ² लैम्डा ऊपर जाएगा, -1 पावर, -1 आगे, लैम्डा का पावर -2, दैट इज -1/λ² 1/λ का डिफरेंशिएशन -by λ² इनटू डी लैम्डा. मतलब यहाँ डेरिवेटिव किया विद रिस्पेक्ट टू के, यहाँ डेरिवेटिव किया विद रिस्पेक्ट टू लैम्डा. तो डी के इज इक्वल टू दिस थी. तो मुझे यहाँ के को सब्स्टिट्यूट करना है 2π/λ एंड डी के को सब्स्टिट्यूट करना है दिस. सो माई रिलेशन विल बी वीपी प्लस K is 2π/λ and my dVP upon dK. So dK is substituted to be -2π/λ² into dλ. So my VG is equal to VP minus 2π से 2π कैंसिल हो जाएगा, लैम्डा स्क्वायर ऊपर जाएगा, यहाँ लैम्डा नीचे है, दिस विल बिकम dVP/dλ. अब मेरे पास वेलोसिटी का जो डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू लैम्डा है, जो कि मेरी डेफिनेशन बनेगी डिस्पर्सिव मीडियम की और नॉन डिस्पर्सिव मीडियम की. सो एक लैम्डा कैंसिल हो जाएगा, माय रिलेशन विल बी वीपी माइनस लैम्डा डीवीपी बाय डी लैम्डा. सो वीजी दैट इज द ग्रुप वेलोसिटी एंड दिस इज द फेस वेलोसिटी के बीच में एक रिलेशन बनता है, ये जो डिपेंड कर रहा है डीवीपी बाय डी लैम्डा के, डीवीपी बाय डी लैम्डा के. अब मैं फिर से अपनी डेफिनेशन पे चलता हूँ डिस्पर्सिव मीडियम की और नॉन डिस्पर्सिव मीडियम की. तो स्पेशल केस लगाते हैं. सबसे पहला ये मान के चलो मेरा मीडियम नॉन डिस्पर्सिव है. कैसा है मेरा मीडियम? नॉन डिस्पर्सिव. तो मैं यहाँ दो टेबल बना लेता हूँ, यहां लिख देता हूँ डिस्पर्सिव मीडियम और यहां लिख देता हूँ नॉन डिस्पर्सिव. ठीक है, नॉन डिस्पर्सिव मीडियम सबसे पहले डील करते हैं. नॉन डिस्पर्सिव मीडियम क्या होता है? वेलोसिटी डज नॉट चेंज, ये समझो तुम फेज वेलोसिटी की बात की जा रही है, डज नॉट चेंज या फिर नॉर्मल वेव वेलोसिटी की बात की जा रही है. क्योंकि हमने क्या देखा है, वेव वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी बराबर है. या तो वेव वेलोसिटी की बात करें या फेज वेलोसिटी की, दोनों ही चेंज ना हो इसके साथ लैम्डा के साथ. अगर ऐसा हुआ तो डीवीपी बाय डी लैम्डा will become zero. So this relation will become Vg is equal to Vp minus lambda. This thing is zero. So it will become Vp. So my group velocity is equal to phase velocity. आपकी जो wave velocity होगी वही phase velocity होगी, और जो phase velocity होगी वही group velocity होगी. यानी कि ये relation बनता है आपका non-dispersive medium में, where my wave velocity is equal to phase velocity is equal to group velocity. अब आते हैं non, ये तो हुआ नॉन डिस्पर्सिव मीडियम. अब आते हैं डिस्पर्सिव मीडियम पे. डिस्पर्सिव मीडियम में क्या होगा, माय वेव वेलोसिटी और आई कैन से दिस फेज वेलोसिटी चेंजेस विद लैम्डा, चेंजेस विद लैम्डा. सो ये डेफिनेशन है डिस्पर्सिव मीडियम की. अगर डिस्पर्सिव मीडियम है, ये चेंज होगा तो माय डीवीपी बाय डी लैम्डा विल नॉट बी इक्वल टू जीरो. सिंपल सी बात है. तो माय रिलेशन विल बिकम वीजी इज इक्वल टू वीपी माइनस लैम्डा डीवीपी बाय डी लैम्डा. सो दिस क्वांटिटी इज पॉजिटिव, दिस क्वांटिटी इज पॉजिटिव, यानी कि वीपी में से कुछ पॉजिटिव क्वांटिटी कम हो रही है, दैट इज माय वीजी विल बी लेस देन वीपी, और वीपी क्या होगा, वी के इक्वल होगा. ठीक है. सो डिस्पर्सिव मीडियम में माय वेव वेलोसिटी इज इक्वल टू फेज वेलोसिटी. ठीक है, बट दिस वेलोसिटी इज ग्रेटर देन द ग्रुप वेलोसिटी. ग्रुप वेलोसिटी हमेशा कम होती है या बराबर होती है, या ग्रुप वेलोसिटी कम होती है या बराबर होती है. बराबर किस केस में होती है? नॉन डिस्पर्सिव में. कम किस केस में होती है? डिस्पर्सिव मीडियम में. तो ये रोल था डिस्पर्सिव मीडियम का और नॉन डिस्पर्सिव मीडियम का इन दिस रिलेशन. ये जो ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी के बीच में रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है, इसमें एक एक्स्ट्रा क्वांटिटी आ रही है, दैट इज द डेरिवेटिव ऑफ फेज वेलोसिटी विद वेवलेंथ. तो अगर ये जीरो है तो माय मीडियम इज नॉन डिस्पर्सिव, तो रिलेशन बन जाएगा ये. और अगर मेरा ये नॉन जीरो है तो मेरा मीडियम बन जाएगा डिस्पर्सिव, जिसमें वेलोसिटी चेंज होती है लैम्डा के साथ. इसको समझाने के लिए मैंने आपको यूज किया डिस्पर्जन का फिनोमिना, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो. ठीक है, क्योंकि कई बच्चे भूल जाते हैं नॉन डिस्पर्सिव डिस्पर्सिव कि किसमें चेंज होता है किसमें चेंज नहीं होता. तो बस तुम ये ध्यान रखो, इसको रिलेट करो
प्रिज्म के साथ, प्रिज्म में जब हमने डिस्पर्शन पढ़ा था तो वेवलेंथ अलग अलग होती है कलर्स की और वेलोसिटी भी अलग अलग होती है, दैट मींस वेलोसिटी चेंज होती है लैम्डा के साथ। तो वेलोसिटी अगर लैम्डा के साथ चेंज हो रहा है तो ये डिस्पर्सिव समझ आ गया, तो नॉन डिस्पर्सिव अपने आप याद रहेगा। ठीक है, सो दिस वॉज ऑल अबाउट द फेज वेलोसिटी एंड द ग्रुप वेलोसिटी कंसेप्ट। इससे पहले जो मैंने वीडियो करवाया था उसमें मैंने एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी ट्रांसमिशन, स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव, स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव, और उससे पहले इंट्रोडक्शन छोटा सा वेव का, जो भी तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन क्या होती है, एम्पलीट्यूड क्या होता है, वेवलेंथ क्या होता है, तो इतना अभी तक मैं करवा चुका हूँ। उसके बाद ये टॉपिक आता है ग्रुप वेलोसिटी एंड फेज वेलोसिटी। इसके बाद क्या टॉपिक करने वाले हैं, सुपर पोजिशन। जैसे कि तुमने सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर सबसे पहले सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में पढ़ा, उसके बाद देखा अगर मेरे पास दो सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जिस्ट कर रहे हैं तो दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो उनके साथ क्या होगा, हमने देखा वो भी एक सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा। फिर दोनों अगर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जाएगा तो क्या होगा, हमने देखा वो भी एक सिंपल हार्मोनिक मोशन बनाएगा। तो ये होता है सुपर पोजिशन। सिमिलरली अभी तक हमने वेव के बारे में काफी कुछ पढ़ लिया है, ग्रुप वेलोसिटी फेज वेलोसिटी पता लग गया, ग्रुप वेलोसिटी में इंट्रोडक्शन हो गया तुम्हारा दो वेव्स का। अब नेक्स्ट टॉपिक मेरा होने वाला है सुपर पोजिशन वेव्स, यानी कि मैं दो या दो से ज्यादा वेव्स लूंगा, उनको सुपर पोज करूंगा और देखूंगा कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कैसे बन रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स। ठीक है, जिसमें हम पढ़ेंगे कैसे कंस्ट्रक्टिव होगा, कैसे डिस्ट्रक्टिव होगा, उसकी कंडीशन क्या होगी, और जो हमारा रिजल्टेंट आएगा उस वेव की इक्वेशन क्या होगी, मतलब उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, उसका फेज कांस्टेंट क्या होगा, बदलेगा कि नहीं बदलेगा, ये सब चीजें नेक्स्ट वीडियो के लिए मैं छोड़ देता हूँ क्योंकि वो टॉपिक थोड़ा लंबा हो जाएगा। अगर आपको इस ग्रुप वेलोसिटी के कंसेप्ट में कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बता देना, चैनल को शेयर करते रहो, लाइक करो, दिस गिव्स मी द मोटिवेशन। थैंक यू वेरी मच।